जल्दी से बेटा, जल्दी से जो है वो ज्वाइन कर ले लोग तमाम स्टूडेंट्स। काइंडली तमाम स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन कर लें बेटा। चलो बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, जल्दी से ज्वाइन करो यार, कहाँ चले जाते हो तुम लोग। दो मिनट वेट करें बेटा आप लोग।
चले स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से, स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखिएगा, डिफाइन जल्दी से क्वेश्चन लिख लो बेटा। डिफाइन इंडेमनिटी एंड पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तमाम स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिख लिया। अच्छा जी, सुन लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसे कहते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा बेटा, टाइम जाए ना करें भी, ठीक है। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती है। कितनी पार्टीज होती हैं? दो। कौन कौन होती है वो मैं लिखवा दूंगा। एक को हम कहते हैं इंडेमनिफायर और एक को हम कहते हैं इंडेमनिफाइड, ठीक है। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है कि भाई तुम ये काम कर दो, और तुम्हारा अगर इस काम के करने में कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है कि भाई तुम ये काम कर दो, अगर तुम्हारा इस काम के करने में कोई नुकसान होता है, कोई लॉस होता है, वो नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे, तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये बड़ी अजीब सी बात लग रहा है कि भाई एक पार्टी जब दूसरी पार्टी से कहेगी कि तुम ये काम कर दो, तो भाई अगर वो काम करेगा तो नुकसान आप क्यों बर्दाश्त करेंगे? नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। कैसे? सपोज करें, अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मुझे डर है यार मेरी गाड़ी चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, छीन भी सकती है, आग भी लग सकती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझसे कहते हैं कि मिस्टर जिब्रान, आप गाड़ी खरीद लें, चाहे वो चोरी हो जाए, चाहे वो स्नैच हो जाए, चाहे वो आग लग जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, तो नुकसान हम आपको पूरा कर कर देंगे। अब जब वो नुकसान मेरा पूरा कर कर देंगे, तो मेरा और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान में जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी कहलाएगी इंडेमनिफायर, ठीक है, और मैं कहलाऊंगा इंडेमनिफाइड। इंश्योरेंस कंपनी क्या कहलाएगी? इंडेमनिफायर। मैं लिख देता हूं यहां पे इंडेमनिफायर, INDEMNIFIER, ठीक है। ये कौन कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगी
इंश्योरेंस कंपनी। और इंडेमनिफाइड कौन खिलाएगा? इंडेमनिफाइड खिलाएगा क्लाइंट। जी यहां को यहां तक सबको क्लियर है बेटा? कोई मसला, एनी इशू? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझ में आएगी, छोटा सा टॉपिक था हमारे पास। बॉयज गर्ल्स जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, फास्ट रिप्लाई किया करें बेटा। ठीक है जी, ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन आपको समझ में आ गया। इसमें कितनी पार्टी थी टोटल? दो, इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड। ठीक है, अच्छा अब जरा करना ये है बेटा, एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। डिफाइन डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इट्स पार्टीज। ठीक है, क्या लिखा? डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इट्स पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है बेटा, गौर से सुनना। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स की गारंटी का मतलब है जमानत देना। ये वो वाली गारंटी नहीं जो आप लोग यूज करते हैं, गारंटी का मतलब है यहां जमानत देना। वो जमानत किस किस तरीके से दी जा सकती है? जमानत इस तरीके से भी दी जा सकती है कि अगर कोई शख्स जॉब पे आना चाह रहा है और दूसरा शख्स कहता है कि मैं अकाउंटेंट तब रखूंगा जब तुम किसी की गारंटी लाके दोगे, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इस तरीके से भी हो सकता है कि लेट सपोज अगर आप बहुत बड़े कॉन्ट्रेक्टर हैं, बिल्डिंग बनाने वाले हैं, आपका घर जो है वो मैं बनाने चाह रहा हूँ या मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ, आप कहेंगे मिस्टर जिब्रान गारंटी लाके देंगे कि क्या इसमें जो है वो सदाकत है कि आप बिल्कुल जबरदस्त किस्म का घर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देंगे, कोई गारंटी लाके दे। मैं किसी को ले आता हूँ और मैं कहता हूँ यार इनको मेरी गारंटी दे कि कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ आप उनको ब्लेम करेंगे और आप अपना नुकसान पूरा करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इस तरीके से भी हो सकता है, अगर आप क्रेडिट पे किसी से कोई उधार कोई चीज ले रहे हो, कहते यार गारंटी लाके दो कि तुम हमारा पैसा वक्त पे दोगे, और अगर वक्त पे नहीं दोगे तो डेफिनेटली जिससे गारंटी दी है हम उससे रिकवर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब मैं इन एग्जाम्पल को वन बाय वन करके दोबारा अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करें मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और मेरे पास जलाल आते हैं और कहते हैं, जलाल कहते हैं कि सर मुझे 10 लाख का सामान प्रोडक्ट दे दीजिएगा क्रेडिट पे। मैं कहता हूँ जलाल दोस्ती अपनी जगह पर, देखो कोई गारंटी तो ला के दो कि तुम मेरा पैसा 1 महीने 2 महीने ये 3 महीने के बाद 10 लाख रिटर्न कर दोगे। जलाल जाते हैं सुफियान के पास और सुफियान से कहते हैं कि सुफियान सर को मेरी गारंटी दे दो कि मैं पैसा रिटर्न करूंगा। अब सुफियान मेरे पास आते और कहते हैं कि मिस्टर जिब्रान आप इनको 10 लाख की चीजें दे देंगे इन केस अगर इन्होंने टाइम पे पैसा रिटर्न नहीं किया तो हम आपको पैसा रिटर्न करके देंगे, यानी सुफियान देगा फिर पैसा अगर जलाल ने नहीं दिया। अब मेरे दरमियान में, जलाल के दरमियान में और सुफियान के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जैन साहब एक जगह अकाउंटेंट के लिए गए किसी कंपनी में, कंपनी ने कहा कि जैन साहब आपको हम ऐसा कैशियर रख रहे हैं लेकिन कोई गारंटी लाके दे कि आप फ्रॉड नहीं करेंगे। जैन साहब सिकंदर के पास जाते और सिकंदर से कहते हैं यार मेरी गारंटी लाके दे दो। सिकंदर आके गारंटी देता कि जी, कहते हैं जैन को जॉब पे रख ले, जैन बहुत अच्छा है और फ्रॉड नहीं करेगा।
ऐसे सिचुएशंस में अब मैंने जब सिकंदर ने जैन की गारंटी दे दी, कल को अगर जैन फ्रॉड करते तो उसके लिए नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए जिम्मेदार होगा सिकंदर। जलाल को अपना घर बनाना था, इखलास साहब एक कॉन्ट्रेक्टर है और इखलास कहते हैं जलाल ये घर मैं आपको बना के दे दूंगा और अच्छे पैसों में, जिस तरीके से आप बनाएंगे बनाना चाहते हैं वैसे बनाऊंगा और अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करूंगा। जलाल कहते हैं इखलास साहब कोई गारंटी ला के दे, कल कोई फॉल्ट हुआ तो मैं उस गारंटर को तो पकड़ सकूं ना। इखलास साहब वाहिद को बुलाते और वाहिद से कहते हैं कि यार ये मेरी गारंटी दे दे। वाहिद जलाल को गारंटी देते, कल को कोई भी घर में गड़बड़ हुई तो जलाल किसको पकड़ेंगे? वाहिद को पकड़ेंगे। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक पार्टी दूसरी पार्टी की क्या देती है? जमानत देती है। और इन केस अगर कुछ भी हो जाए तो फिर जिम्मेदारी किसकी आएगी बेटा? गारंटर की आएगी। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। समझ में आ गया क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें तीन पार्टीज होती हैं, एक को हम कहते हैं डेबिटर, एक को हम कहते हैं क्रेडिटर और एक को हम कहते हैं श्योरिटी। तो मुझे सिर्फ यहां तक बताइए कि यहां तक आप सबको समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई कर दें। ठीक है, अच्छा जरा डेफिनेशन लिख लें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। डेफिनेशन लिखो बेटा जल्दी से। शान से लिखवा रहा हूं मैं, टेंशन नहीं ले, लिखवा रहा हूं। सिर्फ पहले डेफिनेशन लिख लें बेटा। A contract of guarantee is a contract to perform the promise to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दोबारा सुन लीजिएगा, इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट उसके बाद आप लोग हेडिंग लिख लीजिए पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, नंबर वन लिखिएगा श्योरिटी। सर मेन हेडिंग क्या दी सर? पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी। ठीक है ठीक है,
श्योरिटी, श्योरिटी कहते हैं जमानत देने वाले को। लिखिएगा श्योरिटी के बारे में, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी और गारंटर। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी और गारंटर। गारंटर की स्पेलिंग जी यू ए आर ए एन टी ओ आर। ठीक है, दूसरी हेडिंग लिखिएगा क्रेडिटर, जिसको जमानत दी जाती है। ठीक है, लिखिएगा द पर्सन टू होम, द पर्सन टू होम the guarantee, sorry, the person to whom the guarantee is given, the guarantee is given is called the surety, sorry, the person to whom the guarantee is given is called the creditor, is called the creditor. Is called the creditor. और तीसरी हेडिंग लिखिएगा डेप्टर, डेप्टर the person in respect of whose default, the person in respect of whose default the guarantee is given, is called principal debtor, is called principal debtor. ठीक है बेटा, यहां तक सबने कर लिया।
दोबारा सुन लीजिएगा शान से, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन आप द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हूज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द डेप्टर, इज कॉल्ड द डेप्टर। सबको क्लियर है यहां तक? कोई मसला, कोई मसाइल? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही बेटा। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास पे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें जो स्लॉट्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, फी अमानिल्ला, ऑल द बेस्ट। तो हमें याद रखेगा इंशाल्लाह, हो सकता है नेक्स्ट क्लास हमारी फिजिकल। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। माइक ऑफ करो बेटा।